एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल नीट लॉयर की साइड से। नीट वकील की साइड से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या बोला है उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये जो वीडियो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ममता शर्मा ने नीट का जो केस है वो हैंडल ममता शर्मा कर रही हैं और जो पिल है वो फाइल की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। एंड ममता शर्मा ही अभी जो है लाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी डिपॉजिट किए जा चुके हैं। तो ममता शर्मा की साइड से अभी लगातार बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं। तो क्या है वो बड़ी न्यूज़ जो अभी निकल के आ रही है, हम लोग बात कर लेते हैं। तो ममता शर्मा की साइड से निकल के आया कि इफ़ देयर इज़ एन स्कैम एवरी ईयर, अगर हर साल स्कैम होता है देन सच प्रैक्टिस नीड टू कम एट एन एंड। तो ऐसी जो प्रैक्टिस है उसका अंत होना ही चाहिए, उसका एंड आना ही चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजर्व करते हैं टू गेट सीट्स। जो स्टूडेंट्स, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जो रातों मेहनत करते हैं, वो सीट डिजर्व करते हैं। नॉट द वंस हु फील एवरीथिंग कैन बी परचेस्ड बाय मनी, और ना कि वो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिजर्व करते हैं सीट को जो सोचते हैं कि सब कुछ जो है पैसे से खरीदा जा सकता है, या फिर जो वो स्टूडेंट जो गैंग की हेल्प लेकर जो है माफिया की हेल्प लेकर जो है ऐसे ही 50-50 लाख देकर नीट में बैठ जाते हैं, तो वो स्टूडेंट सीट डिजर्व नहीं करते हैं। बल्कि वो स्टूडेंट सीट डिजर्व करते हैं जो रातों मेहनत करते हैं, रातों पढ़ाई करते हैं। तो ये बड़ी बात जो है ममता शर्मा ने बोली है। और उसके साथ साथ जो ममता शर्मा लगातार बोल रही हैं कि रीनीट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, रीनीट ज़रूरी है, तो इन्होंने आज भी बोला है रीनीट इज़ रिक्वायर्ड विद इंक्लूजन ऑफ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। सिर्फ रीनीट से भी कुछ नहीं होगा, रीनीट चाहिए बट वो चाहिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। दिस में भी हैपन कि अगर रीनीट कंडक्ट होता है तो यही चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी, जैसे नीट रिपीट हो रहा है वैसे ये चीज़ें भी रिपीट होंगी। तो अभी एनटीए को चाहिए कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यहाँ पर मेंटेन करे, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऐसे मेंटेन करे कि हर चीज़ की अच्छे से स्क्रीनिंग हो, अच्छे से जांच हो, तभी जाकर जो है एग्ज़ाम दे सके। तो वो अगर मेंटेन होगा तभी जाकर स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है मिलने वाला है, उनका हक मिलने वाला। अदरवाइज जो जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, सिर्फ पैसे के दम पर जो है वो सीट लेके चले जाएंगे, और जो बच्चे रातों पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ पर रह जाएंगे। तो ये बड़ी बात जो है ममता शर्मा ने बोली है, जो कि हमने आप लोगों के साथ शेयर की कि रीनीट यहाँ पर होना चाहिए एंड अगर ऐसा स्कैम है तो ऐसी प्रैक्टिस को रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी अपडेट थी ममता शर्मा की साइड से। ऐसी लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।